फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक है जो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहे हैं, यानी जिनकी प्राइस 2 रुपीज 3 रुपीज के आसपास है, लेकिन आने वाले समय में वो मल्टीबैगर स्टॉक बन जाएंगे। और उसके पीछे वजह है उन कंपनियों का बिजनेस मॉडल। जिस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है और जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है वहां पे प्रचुर संभावना है, और इसका फायदा हम अभी उठा सकते हैं क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे स्टॉक। जिस तरह से इन्होंने अपना रिजल्ट पेश किया है बहुत ही बेहतरीन है। छोटे पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी कंपनियों ने शानदार रिजल्ट पेश किया है, और जिस तरह से कंपनी लगातार अपने डेट को कम करने की कोशिश कर रही है, यह स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि काफ़ी कंपनियाँ जो है वो करेक्शन से दौर से भी गुजर चुकी है, फिर से नई शुरुआत कर सकती है। आपको भी मौका मिल रहा है क्योंकि लगातार जो तेजी बनी थी उसमें ब्रेक लगा था, प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, लेकिन अब वो प्रॉफिट बुकिंग रुक चुकी है, यहाँ से नई शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे में हम भी इन स्टॉक में निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए दो शानदार पेनी स्टॉक आज ढूंढ के निकाले। ये दोनों पेनी स्टॉक बहुत ही मजबूत है। एक ब्रोकिंग फर्म है जो आगे जाके बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बनेगी, और दूसरी कंपनी एक डाइवर्सिफाई बिजनेस करने वाली कंपनी है, यानी केमिकल सेक्टर की कंपनी है, लेकिन साथ में बहुत सारे अलग अलग काम कर रही है। ये कंपनी अपने डेट को लगातार कम कर रही है, पूरी तरह से जीरो डेट करने की कोशिश में लगी हुई है कंपनी, और इसीलिए आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगी। फ्रेंड्स, हम दोनों स्टॉक को डिस्कस करेंगे एक एक करके और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये स्टॉक हमारे सपने साकार कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड की। यह 1995 में बनी स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 361.20 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी ब्रोकिंग फर्म है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, और कंपनी ने अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट पेश कर दिया है। कंपनी की टोटल इनकम 14.76 करोड़ रुपीज़ निकल कर आई है, जो 36.29% ज़्यादा है पिछले क्वार्टर से, यानी क्वार्टर टू में कंपनी की टोटल इनकम 10.83 करोड़ रुपीज़ थी, और यहाँ पे 68.49% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 8.76 करोड़ रुपीज़ थी, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.13 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो कंपनी की इनकम लगातार बढ़ रही है। अगर हम बात करें इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ की, तो ये कंपनी एक ब्रोकिंग फर्म है जो हर तरह की फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी आपको इंश्योरेंस से लेके और किसी भी तरह की फाइनेंशियल सर्विस है वो कंपनी देती है। साथ में कंपनी एक बड़ी ब्रोकिंग फर्म है जो हर तरह की ब्रोकिंग सर्विस देती है, और इसीलिए इस कंपनी में मुझे भविष्य उज्जवल लगता है क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस होता है जो यहाँ पे इनके लिए एक फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है। इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ की बात करें तो फ्रेंड्स, कल के दिन में, यानी आज अभी बाजार शुरू होने के पहले का ही हमारा वीडियो है, तो कल के दिन में स्टॉक में 4.35 की क्लोजिंग प्राइस थी, जहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली स्टॉक के अंदर हमें। यानी एक तरह से देखो, जो काफ़ी समय से सर्किट का दौर था वो खत्म हो गया है, यहाँ पे अब तेजी की संभावना बन रही है, यानी अपर सर्किट लगने की संभावना बन रही है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, और इसीलिए मैंने ये बाजार खुलने के पहले वीडियो बनाया ताकि आप इसमें एंट्री कर सके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है, और अगर थोड़ा सा अगर डाउन भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, इसका भावी भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है। ये आने वाले समय में आपको एक मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में बदलता हुआ दिखाई देगा। फ्रेंड्स, अगर इसके प्रदर्शन को देखें तो ये 6.45 की हाई बना चुका था 17 जनवरी को, और उसके बाद में लगातार इसमें गिरावट हुई, यानी काफ़ी नीचे आ चुका है, यहाँ से अब अपर सर्किट की संभावना पूरी तरह से बन चुकी है। और ये जो तेजी बनी थी ये 24 दिसंबर से लगातार स्टॉक दौड़ा है, जब 2.55 इसकी प्राइस थी, तो काफ़ी कम समय में अच्छा दौड़ा, और मैंने आपको लगातार बोला भी था, मैं इसको लगभग आपको 2-2.5 रुपये से कह रहा हूँ खरीदारी के लिए, और काफ़ी कम समय में लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। फिर स्टॉक नीचे आए, लोग चिंता में थे, मैंने कहा था कि बहुत जल्दी यहाँ पे सर्किट खुल जाएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं, सर्किट खुलना शुरू हो चुका है, अब यहाँ पे अपर सर्किट का दौर होगा और आपको फिर से एंट्री करना चाहिए। यहाँ पे 1.5852 का लो है, 6.7552 का आई है फिलहाल स्टॉक, अपने 4.30 के आसपास आ चुका है, तो यहाँ से अब फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 27.59% है, तो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। सबसे अच्छी बात है इनका कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। FI की बात करें तो जून में कोई होल्डिंग नहीं थी, लेकिन सितंबर में 0.03% की होल्डिंग उनकी हो चुकी है, और फिलहाल वो भी दिसंबर में बनी हुई है। अदर्स की बात करें तो 72.38% की होल्डिंग जून में थी, 72.38 सितंबर में रही, फिलहाल 72.41% की होल्डिंग है, तो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पे इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 128% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 186% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 158% का पॉजिटिव रिटर्न है,
थ्री मंथ के हिसाब से 79% का पॉजिटिव रिटर्न है, वन मंथ के हिसाब से 2.38% का पॉजिटिव रिटर्न है, वन डे के हिसाब से 1.15% की गिरावट है। तो अच्छा रिटर्न दिया है, लोगों को मालामाल कर दिया है स्टॉक ने। इसके फंडामेंटल अगर हम देखें तो अर्निंग पर शेयर ईपीएस इसका 0.10 का है, प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो 41.57 है, बुक वैल्यू पर शेयर 1.94 है, प्राइस बुक एमआरक्यू इसका 2.24 है, प्राइस अर्निंग टीटीएम इसका 39.75 है, आरओसी इसका 7.20 का है, पीएटी मार्जिन 30.23 है, फेस वैल्यू 1 रुपीज है। तो फंडामेंटल ठीक ठाक है, इतने कोई खास नहीं है। छोटे पैनी स्टॉक में वैसे भी हम फंडामेंटल की तो अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया क्वार्टर थ्री का बहुत ही बेहतरीन है। रेवेन्यू 14.42 करोड़ निकल कर आया, जहाँ पे 69.25% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 4.13 करोड़ रुपीज़ की, जहाँ पे 128.18% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.05 है, जहाँ पे 150% की शानदार बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 28.64% है, जहाँ पे 34.84% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो सारे आंकड़े बहुत ही बेहतरीन है और ये इशारा करे कि इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए करके रखें। रिवेन्यू देखें तो सितंबर 2020 में कंपनी का 8.37 करोड़ रुपीज़ का था, दिसंबर 2020 में 7.84 करोड़ रुपीज़ का, मार्च 2021 में 14.88 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, और जून 2021 में 11.23 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था, और सितंबर 2021 में 10.36 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू। तो लगातार कंपनी का रिवेन्यू अच्छा खासा बढ़ रहा है। बात करें कंपनी के प्रॉफिट की तो कंपनी सितंबर 2020 में 4.16 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट बताई थी, दिसंबर 2020 में 1.81 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, मार्च में जबरदस्त जंप लगा करीब 8 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट बताया, जून में 4.02 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट और सितंबर में 3.71 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। इस बार फिर से दिसंबर में प्रॉफिट बढ़ चुका है, कंपनी ने बिल्कुल अपनी प्रगति कायम रखी हुई है। सितंबर 2020 की बात करें तो इनका नेटवर्थ 175 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च 2021 में 185 करोड़ रुपीज़ का नेटवर्थ और सितंबर 2021 में 193 करोड़ रुपीज़ का नेटवर्थ। तो इन्होंने लगातार अपने नेटवर्क को भी बढ़ाते आगे जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेटवर्क बढ़ रहा है, रिवेन्यू बढ़ रहा है, ये स्टॉक मालामाल कर देगा आने वाले समय में। तो आप इसको 5 साल के लिए होल्ड करके रख ले, मुझे लगता है ये आराम से 300 को क्रॉस कर सकता है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये स्टॉक, आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर ले। चलते हैं दूसरे हमारे पेन स्टॉक की तरफ, जो है विकास इकोटेक लिमिटेड। ये 1984 में बनी स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 350.85 करोड़ का, कंपनी केमिकल सेक्टर में कारोबार करती है, साथ में बहुत सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस करती है। क्वार्टर टू का रिजल्ट इन कंपनी ने पेश कर दिया है, टोटल कंपनी की इनकम 75.69 करोड़ रुपीज़ निकल कर आई है, जो 0.62% ज़्यादा है क्वार्टर टू से। क्वार्टर टू में इनकी टोटल इनकम 75.23 करोड़ रुपीज़ थी और 133.73% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 32.38 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.43 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो कंपनी की इनकम लगातार बढ़ी है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम बात करें विकास इकोटेक लिमिटेड की, जिसको ग्लोबल वन के नाम से जाना जाता है, तो यह कंपनी केमिकल डिवीजन स्टेट का बिजनेस है और एग्रो डिवीजन भी है और सर्विस डिवीजन भी है। कंपनी एग्रीकल्चर पाइप का निर्माण करती है, ऑटो पार्ट्स बनाती है, वायर और केबल का निर्माण करती है, साथ में आर्टिफिशियल लेदर, फुटवेयर, ऑर्गेनिक केमिकल्स और साथ में फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट बना के देती है। तो ये कंपनी का जो पोर्टफोलियो बहुत ही मजबूत है और जिस तरह से कंपनी अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रही है, यह स्टॉक तो आने वाले समय डेफिनेटली मल्टीबैगर होगा। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, कंपनी ने अपने डेट को पूरी तरह से जीरो करने की प्लानिंग शुरू कर दी है और इसके लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यानी दो अपने नए पेमेंट उन्होंने कर दिए हैं और लगातार कंपनी जीरो डेट की तरफ चल रही है। और इसीलिए इस स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी जिस तरह से अपने सपने को बुन चुकी है, ये सपना आपको भी मालामाल कर सकता है। फिलहाल स्टॉक कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। कारोबार की बात करें तो कल के दिन में यानी 5.45 स्टॉक था, जहाँ पे लोअर सर्किट लगाया करीब 5% का और बहुत जल्दी ये सर्किट खुलने वाला है। अभी फिलहाल थोड़े सर्किट और लग सकते हैं, लेकिन जल्दी यहाँ पे आपको सर्किट खुलते हुए दिखाई देंगे और फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू हो जाएगा। वैसे मैं कहता हूँ कि आप कभी भी इसमें एंट्री कर ले, लॉन्ग टर्म के लिए रखें, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। 6.60 इसने हाई बनाई थी 28 जनवरी को, उसके बाद में स्टॉक फिर से नीचे आने लगा है। अभी थोड़ा सा इसमें करेक्शन बाकी है। 2.20 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था, जो 1 दिसंबर को दौड़ना शुरू किया था, काफ़ी कम समय में स्टॉक काफ़ी ऊपर तक पहुंच गया था, इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। और मैंने पहले आपको ऑलरेडी कहा था कि इसमें प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, लेकिन स्टॉक जिस तरह से मजबूती के साथ बना हुआ है, यह लंबी रेस का घोड़ा है। 27 रुपीज़ की आई ऑलरेडी इसकी बनी थी 2018 में, फिर स्टॉक काफ़ी नीचे आया। इसकी 1.04 की 50 रुपये की लो है, 6.90 50 रुपये की आई है, मतलब स्टॉक 7 तक जाके आ चुका है, 5.5 के आसपास आ चुका है। तो ऊपर के लेवल से करीब इसमें अच्छी खासी यानी आप कहो तो यहाँ पे करीब 1.5 रुपया इसमें टूट चुका है, लेकिन इसमें थोड़ी सी और गुंजाइश बाकी है, लेकिन फिर वापस अपर सर्किट शुरू हो जाएगा। आप इसमें एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, आप चाहे तो आज ही एंट्री कर ले, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग देखें
तो जून में 9.42% की थी, सितंबर में 15.60 हुई, दिसंबर में 15.60 हुई, यानी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को लगभग दुगुना कर दिया, जो इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। यहाँ पे इनके कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, लगातार कंपनी अपने डेट को कम कर रही है। FI की बात करें तो 0.30% की होल्डिंग जून में थी, सेप्टेम्बर में उन्होंने काफ़ी अच्छी 3.32% की होल्डिंग की, दिसंबर में 0.08, तो होल्डिंग कुछ कम हुई है लेकिन अभी भी FI की अच्छी खासी होल्डिंग है। बात करें अदर्स की तो 90.28% की होल्डिंग जून में थी, 81.08 हुई, सेप्टेम्बर में फिलहाल 84.32% की होल्डिंग है, काफ़ी मजबूत लग रहा है स्टॉक। इसके रिटर्न को अगर देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 66.87% का निगेटिव रिटर्न दिया, 3 ईयर के हिसाब से 53.22% का निगेटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 98.18% का पॉजिटिव रिटर्न, 3 मंथ के हिसाब से 179% का बंपर पॉजिटिव रिटर्न, और 1 मंथ के हिसाब से 81.67% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 डे के हिसाब से 5% का निगेटिव रिटर्न है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है पिछले 3 महीनों से स्टॉक, और अब आगे स्टॉक तेजी से बढ़ेगा क्योंकि कंपनी कर्ज मुक्त होने जा रही है। इसके फंडामेंटल अगर हम चेक करें तो अर्निंग पर शेयर EPS इसका -0.11 है, और बुक वैल्यू पर शेयर 2.39 है, प्राइस बुक MRP इसका 2.26 है, प्राइस अर्निंग TTM -73.29 है, ROC इसका 1.79 है, PAT मार्जिन -12.35, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो फंडामेंटल में कोई खास बात अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो दिसंबर का रिजल्ट पेश किया बहुत ही बेहतरीन है, रेवेन्यू 75.69 करोड़ रुपीज़ निकल कर आए, जहाँ पे 133.73% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली, नेट इनकम 3.43 करोड़ रुपीज़ के, जहाँ पे 9,999.99% की जबरदस्त जंप देखने को मिली है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.53 है, जहाँ पे 8,960% की जबरदस्त बम्पर जंप देखने को मिली है, और ये जो रिजल्ट है इशारा कर रहा है कि ये कंपनी आगे जाके बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन जाएगी। कंपनी के अगर रेवेन्यू को देखें तो दिसंबर 2020 में 28.40 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च 2021 में 36.74 करोड़ रुपीज़ हुआ, जून 2021 में 18.10 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, और सितंबर 2021 में 73.97 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, दिसंबर 2021 में 75.26 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू। तो पिछले दिसंबर से दिसंबर में जबरदस्त जंप लगा है इनके रेवेन्यू में। बात करें कंपनी के प्रॉफिट की तो दिसंबर 2020 में 0.02 करोड़ रुपीज़ का मामूली प्रॉफिट था, और मार्च 2021 में 10.92 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस हुआ, जून 2021 में 3.93 करोड़ रुपीज़ का लॉस, लेकिन सितंबर 2021 में 0.65 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, दिसंबर 2021 में 3.43 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी बहुत बड़े लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर ले चाहे तो थोड़ा वेट करें, लेकिन मैं तो कहता हूँ आपको अभी एंट्री कर ले, यह स्टॉक आगे जाके आपको मालामाल कर देगा। मार्च 2021 की बात करें तो 129 करोड़ रुपीज़ का इसका नेटवर्क था, जो सितंबर 2021 में बढ़कर 175 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया। तो कंपनी लगातार अपने नेटवर्क को बढ़ा रही है, प्रॉफिट में आ चुकी है, आने वाले समय में यह स्टॉक मालामाल कर देगा, आपको कई गुना रिटर्न दे सकता है, तो बिल्कुल इसको निवेश करें। फ्रेंड्स, अगर आप इसको 5 साल के लिए होल्ड करके रख लेते हो तो ये स्टॉक डेफिनेटली 300 को आराम से क्रॉस करेगा, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके ही रखें, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। कंपनी जिस तरह से अपने डेट को लगातार कम कर रही है, कर्ज मुक्त होकर कंपनी जब आगे बढ़ेगी तो कारोबार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि कंपनी का जो पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है, अलग अलग सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, और ये स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। और दूसरी तरफ अगर आप चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए भी निवेश करें, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा वेट कर ले, मुझे लगता है थोड़ी और गिरावट भी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले अभी एंट्री कर ले, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ये दोनों स्टॉक आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।